ये है कृष्ण राजेंद्र मार्केट, जिसे यहाँ के राजा ने बनवाया था ताकि गरीब लोगों को व्यापार करने की सहूलियत मिल सके। लेकिन आज जो इसको चला रहा है वो कोई साधारण नहीं है, बल्कि पावरफुल और बहुत ही धनवान इंसान है, देवी प्रसाद, आर के देवी। आज हो या कल, सब कुछ मेरा ही होना चाहिए, ये है उसकी जिद और सपना। सिर्फ ये मार्केट ही नहीं, आरएमसी यार्ड में भी इसका दबदबा चलता है। आरएमसी यार्ड की अध्यक्षता की सीट से सदाशिव को हटाकर उस अधिकारी को बैठाया गया है जो इनकी हर बात को माने। उसके काम में अड़चन डालने वाला भी कोई होना चाहिए ना, तो वो है गोविंदा। इनको सब कुलिंगस गोविंदा कहते हैं। अगर भगवान की पूजा करनी हो तब भी चश्मा, किसी की मैयत पर हार चढ़ाना हो तब भी चश्मा, और नहाते वक्त भी चश्मा। इनकी फैमिली भी चश्मे वाली है। ये गोविंदा और देवी दोनों ही मार्केट चलाते चलाते बड़े हुए हैं। एक फूल का हार बनाता तो दूसरा बने हुए हार की सप्लाई करता। गोविंदा पैसे और प्रभाव के बल पर उस एरिया के काउंसिलर का टिकट भी अपने नाम करवा चुका है। लेकिन अपने ऊपर दो मर्डर केस होने की वजह से उसने अपनी बीवी को काउंसिलर बनाया। इसी बीच एक केस के चलते देवी को जेल हो जाती है। राजनीति में व्यस्त होने की वजह से गोविंदा देवी को भूल जाता है। तुम्हारा काम हो गया समझ लो, एमएलए से मैंने बात कर ली है, बिना चिंता किए जाओ यहाँ से। वो लड़के तो गुंडे हैं भैया। अरे कौन है वो गुंडे लोग? कोतवाल और जयराजा से बात करने में सभी डरते हैं, उनसे बड़ा गुंडा है कोई। इंस्पेक्टर से मैंने बात कर ली है, जाओ तुम। ठीक है, चलता हूं। जरा सिगरेट देना भाई। चलो पूरा पैकेट देना, एक लेकर हिलाऊंगा क्या? देना पैकेट। ये है सदाशिव। इनकी बातों में जो आया उसका हो गया शिव शिव शिव। एक पल में जिंदगी और एक पल में मौत, ये कहावत इन्हें ही ध्यान में रखकर कही गई होगी। इनकी पत्नी का नाम है सरस्वती। बिन माँ बाप के बच्चों के लिए ये एक माँ की तरह हैं। सदाशिव और सरस्वती जो कि निसंतान थे, उनके लिए अब यही बच्चे अपने बच्चे के समान है। सदाशिव का बड़े लड़के नरसिम्हा के प्रति ज्यादा लगाव है, जबकि सरस्वती को छोटे लड़के वीरू से ज्यादा लगाव है। ठीक वैसे ही हमारे विष्णु दादा के लिए भी इस घर में एक खास जगह है। पूरे गांव से अलग नाग पंचमी के दिन सरस्वती विष्णु दादा का ही दुग्धाभिषेक करती है। एमएलए की सहायता से देवी जेल की चार दीवारों से बाहर आ चुका है। उसने बाहर आते ही अपना एक अलग बाजार शुरू कर दिया। गोविंदा से नाराज हो चुका देवी उसे जान से मारने की सोच रहा है। गोविंदा को जैसे ही इस बात की खबर हुई तो करो भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? वो तो घर पर नहीं है। तुम्हारे भाई ने एक आदमी का मर्डर करने की कोशिश की है और अपनी शक्ल छुपाकर घूम रहा है यहाँ वहाँ, बताओ कहाँ है वो? खून है। साहिब का हाथ लगा तो खत्म। तूने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। एक बात समझ ले, अपने बड़े भाई की तरह घर में बैठना सीख ले। नहीं हो पाएगा। ए, मैं तेरी बहन हूँ, मेरी बात नहीं मानेगा तू? मेरी भलाई के बारे में सिर्फ गोविंद भाई सोच सकते हैं, ठीक है? क्या कहा तूने? अब तुझे अपनी बहन पर भरोसा नहीं रहा क्या? हे, रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, भरोसे के बगैर कुछ नहीं होता। चल जाओ, जाओ यहां से। जिस पर इतना भरोसा करता है ना, वो इंसान झूठा है। एक न एक दिन उसकी असलियत तेरे सामने आ ही जाएगी, देख लेना। तब तू मुझे ढूंढते हुए इस घर पर आएगा, तब तुझे इस घर का दरवाजा बंद मिलेगा। पता है किस लिए? अभी जो दर्द मैं महसूस कर रही हूँ ना,
वो दर्द तब तुझे पता चलेगा। जो, जो चला जा इसी वक्त यहाँ से, निकल जा। दीदी। ए, चल जा यहाँ से। दीदी सुनो, गुंडा बनना चाहता है ना तू, निकल दीदी, जा। दीदी दीदी मेरी बात तो सुनो। जीते जी मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। दीदी दीदी क्या बात है, कौन कमीना है? अरे मजेदार है। वाह आंटी बहुत सुपर है यार, बहुत भाभी है यार। ए वीरू कहाँ चला जाता है तू, मेरे साथ नहीं रह सकता क्या? ये आंटी मेरी है ना, तुम लोग रुको मैं आता हूँ। कमीना कहीं का। देखो गोविंद, कभी भी पेड़ पर बैठकर खुशी नहीं मनानी चाहिए, बल्कि मजा इसमें है कि उसके ऊपर उड़कर मनाई जाए, समझ रहे हो ना? हाँ, काउंसलर से एमएलए, एमएलए से मिनिस्टर और इस तरह से राजनीति में तुम्हें ऊपर बढ़ते ही रहना चाहिए। मेरी बात मानोगे तो समाज में नाम होगा, नहीं तो तुम्हारा नाम समाधि पर होगा। आई बात समझ में? समाधि पर जाने की तैयारी कर रहे हो, जो ठीक नहीं है गोविंद। राजनीति में कैसा होता है ये तो आप जानते ही हैं। वो अपने फायदे के लिए दुश्मन को दोस्त बनाते हैं और दोस्त को दुश्मन। यहां भी वही हो रहा है, दो दुश्मनों को एक करने की कोशिश की जा रही है। क्या हो रहे, परेशान क्यों है? अरे भाई, आपके ऊपर कोई नजर डाले तो हम चुप नहीं बैठ सकते, और उसने तो आपके गले पर रेजर रख दिया था, तो बताइए चलेगी नहीं हमारी? भाई आप आए तो भगवान आया ये सोचकर जगह छोड़ने वाले लड़के, वो लड़के हमें शान पट्टी दिखा रहे थे भाई, रेजर दिखाकर हमें डरा रहे थे। ए, देख कर फेंक बे। सॉरी भाई। भाई आप सिर्फ हाँ बोलो, अपनी गाड़ी तो हमेशा रेडी रहती है। किसने किया ये?
किसने किया ये? किसने किया ये? नेक्स्ट केस कौन सा है सर? केस नंबर 565 है, वो सियापुरम की टिया क्लब खून। दुश्मनों को मार कर उनका मांस बेचने वाला राक्षस हूं मैं। मैं इसे भी खा लेता लेकिन आज सोमवार है। एक खून करने वाले अपराधी का नाम बताने से डर रहे हो तुम, वो भी कोर्ट में खड़े होकर? तुम्हारा साउंड भी अजीब है, कोर्ट में तुम्हारा नाम भी लेने से डर रहे लोग। साउंड तो करना ही पड़ता है। बच्चा रोने का साउंड करता है तब माँ दूध देती है, पुजारी घंटी से साउंड करता है तब भगवान वरदान देते हैं। उसी तरह जब हम साउंड करते हैं तभी फील्ड में हवा पैदा होती है। नरसिम्हा, देखो मेरे नाम का साउंड आ गया, चलो चलते हैं। कॉलेज मतलब वहाँ छोटे मोटे लव के मामले तो होते ही हैं। मेरे बेटे को मारकर आईसीयू में पहुँचा दिया उसने। उसने किसी छोटे मोटे गुंडे को बुलाया ऐसा कह रहा है, मुझे उन पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं। बॉस आपका काम हो गया समझो। हाँ बोल क्या हुआ रे? हाँ चलेगा, आता हूँ मैं। चलो भाई लोग, MG रोड पे अपने लड़के लोगों की हवा है। हाँ भाई, फोन करके उन्हें उन लड़कों को आने के लिए बोल। चल गाड़ी निकाल। हाँ बोलो भाई। हाँ पूछ गया मैं, इधर एरिया में खड़ा है, जा जाकर उस छपरी को बोला। मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा है भाई। उसे छोड़ो रे, दूसरा वाला नजर आया कि नहीं? ए ढूंढो ना, इधर किधर होगा ना वो। ए, तू कौन है बे? ए, तू बुलेट भाई का आदमी है ना? तो वो कहाँ है रे? भाई कॉलेज का छोटा मोटा लफड़ा था, सोच कर आए थे कि थोड़ा सा भी हिलेंगे तो फिनिश कर देंगे भाई, लेकिन उसके बुलेट के साउंड से मेरा हार्ट बीट बढ़ने लग गया भाई। मुझे तभी समझ लेना चाहिए था भाई, लेकिन हाथ में तलवार है और साथ में एक बंदा है ये सोचकर मैं उसे मारने गया। मेरी तलवार से ज्यादा उसके हाथ की पावर है ये समझ में आ गया, इसलिए मैं वहां से भाग कर आ गया भाई। चलो भाई सब लोग वापस चलते हैं। हे तो अभी कहाँ है वो, ये बता। वही ग्राउंड पर है भाई। ए थू यमक, ए चल रहे। चलो भाई चलो। ए भाऊ, ए किसने मारा रे तुझे, बता ना कुछ। ये इसी कॉलेज में पढ़ता है, देखा क्या तूने इसे कभी? अरे भाई यही है जो सबको मार रहा है। Yeah.
अबे ओ चिल्लर, रास्ते पर जो भी मिल जाए उसे साहब बोलकर सलाम ठोकने वाले तेरे जैसे आदमी के ब्लड में इतनी गर्मी है। डायनामिक ब्लड है मेरा, मेरे ब्लड में ज्वालामुखी से भी ज्यादा गर्मी है। ए, तुम सब लोग कौन हो? शक्ल से तो रिटायर होने वाली उम्र लग रही है और बात एडमिशन की कर रहे हो। बेटा सुधर जाओ वरना तोड़ के रख दूंगा। जैसे आपको। भाई क्या हम इसे ही मारने आए थे भाई? अबे चुप रे, मैंने इसके अंदर बहुत बड़ी पावर देखी है। नमस्ते सर। मेरा नाम वीरू है, आरसी कॉलेज का स्टूडेंट हूं। बेटे को मार पड़ने पर बाप को चिंता होना कॉमन बात है, लेकिन बेटे को किस वजह से मार पड़ी है ये सोचना तो कॉमन सेंस वाली बात है। प्यार में लड़की अपना दिल देती है, भरोसा ज्यादा हो तो शरीर भी दे देती है, लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की का दिल दुखाने की सोचता है तो मेरे जैसे लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। छाती चौड़ी करके घूमने वाले मर्द को दूध पिलाने वाली उसकी माँ ही होती है। हर एक घर में किसी न किसी रूप में एक औरत जरूर होती है, जैसे आपकी घरवाली। नमस्ते आंटी। मेरे दादा कहते थे कि हर औरत के दिल में कहीं ना कहीं ममता जरूर भरी होती है। हर एक इंसान को जान और रूप देकर उसकी जिंदगी संभालने वाली औरत ही होती है, और उस औरत को इज्जत देना आप भी सीखिए और अपने बेटे को भी सिखाइए। चलता हूं सर। हाँ, धृतराष्ट्र अपने बेटे के प्यार में आंखें बंद करके बैठा था, लेकिन आप ऐसा मत करना, समझ गए ना? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तेरी नजर में मैं तुझे बहुत बड़ा विलन लग रहा हूं ना, जो तुझसे साइन करवा रहा है और केस वापस ले रहा है। मैं कुछ भी कर सकता हूं यही सोच रहा है ना तू? तो सोच ले, यही सोचना चाहिए तुझे। भाई साइन किए बिना ये हमारे साथ खेल खेल रहा है, इसे उठाकर मैं कुछ साइन करवा लूं क्या? ये वो करेगा ना? वो नहीं करेगा भाई। करेगा रे। अरे नहीं करेगा भाई, बोला ना करेगा। नहीं करेगा भाई। करेगा। करोगे ना सर? हाँ, हाँ, करूंगा। तू मेरे बाप का राइट हैंड है और अब तू केजीएफ के गरुड़ा की तरह बर्ताव कर रहा है। आप कीजिए साइन कीजिए। नमस्ते भाई, क्या फुल पार्टी चल रही है? आ जा नरसिम्हा, बैठ जा। आज मेरी शादी की सालगिरह है इसलिए टंगड़ी फ्राई बनाई थी, ये ले तू भी खा ले। क्या भाई आप भी, हमें तो बोटी मांस मच्छी अंडा पैग वैग ऐसे आइटम चाहिए भाई। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी जी। थैंक्स नरसिम्हा, मेरे पति को और मेरे घर वालों को लगता है स्वीट से नफरत है। तुम तो खाओ। खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा। नरसिम्हा, जो मेरे ऊपर केस था वो तो खत्म हो गया, अब मुझे कौन टच करेगा ऐसा सोचकर
शेर बनकर यहाँ वहाँ अकेले मत भटकना, और ये दुश्मन लोग हमारी कमजोरी का इस्तेमाल करके ही हम पर हमला करते हैं। उसके अलावा तू बहुत सालों से हमारे साथ है, इसीलिए तेरे लिए मैं सीट छोड़ता हूँ। आगे आने वाले दो इलेक्शन में तू खड़े होकर जीत, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। अरे भाई मुझे वो सब नहीं चाहिए, मेरे जीजा जी का जहाँ अपमान हुआ उसी चेयर पर उनको वापस बैठाने की इच्छा है। अबे तू खुद की भी लाइफ के बारे में सोच, उसके बाद तेरी भी शादी के बाद बीवी बच्चे होंगे, फैमिली की सभी को जरूरत पड़ती है। और सुन, देवी का बेटा सही नहीं है ऐसा कह रहे हैं, उसके झंझट में मत पड़ना। वो कमीना में देखकर जलेगा इतना ही काफी है, मुझसे टक्कर लेने आएगा ना तो उल्टा ठोक दूंगा। अरे वीरू कहाँ खो गया यार? अरे कल वो गणपति विसर्जन था ना तो। बस देख, ये सारे लोग मोबाइल में ही डूब चुके हैं, लेकिन तू आज भी गणपति देवा का नाम स्मरण कर रहा है, इससे मुझे खुशी हुई। पर देवा के सामने मैंने देवी भी देखी यार। वापस वहीं गया था? हाँ, पता है वो देखने में कैसी थी? कैसी थी? उसकी आंखों में सितारे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चमक रही थी। वो मैग्नेट नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे खींच लिया। मुझे फंसाने के लिए उसने कोई जाल नहीं बिछाया, पर उसका डिंपल देखकर मैं खुद ही फंस गया उसके जाल में यार। ओहो ठीक है, तो उन डिंपलों को भरवा देने की मैं गवर्नमेंट में गुजारिश करूंगा। अरे वो कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर? वो तो अपनी प्रॉपर्टी है यार। मतलब ब्रेक नहीं हो सकता? वो लड़की दिखती कैसी है? कोई लड़की नजर आई क्या? हाँ, तूने जो लड़की देखी थी उन तीनों में से किस तरह दिखती है? हाँ उसकी तरह क्या? अरे यार ये उसकी तरह दिख नहीं रही, ये तो वही है। मैं आता हूँ। अरे रुक रुक, अरे भाई क्या कर रहा है? अरे यार ये वो है, मैं तो उसके फर्स्ट लुक में ही फिदा हो गया यार। हाँ फर्स्ट लुक? ए भाई लगता है कॉलेज में सोया था अब जागा है। अरे ये तो दीप्ति है, हमारे ही क्लास में पढ़ती है। इस दीप्ति की वजह से मेरी नींद उड़ गई है यार। ए भाई क्या बात कर रहा है, हमारे क्लास में तूने उसे कभी देखा नहीं? क्या हमारी क्लास में? हाँ। नहीं यार। सुन ये पीपी बैलू के क्लास में क्या हुआ था जरा याद करने की कोशिश कर। कैन एनीवन से व्हाट इज H2O? सर H2O is nothing but Hindi cinema, sir. H means hero, 2 means 2 hero, Shahrukh aur Salman. O means 1 hero, Sunny Leone, sir. Hey idiot, cinema ke pagalpan se aage nahi badh paoge. Hey kaun hai ye? Bahar nikalo ise. Mar 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 mar. Hey hey. Shoot 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 kar, shoot karna. Are kya kar raha hai yaar, shoot karna. Mar 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 mar. हाँ? अपना भाई कहाँ गया? अभी भी याद नहीं आ रहा है? नहीं याद आ रहा, मुझे वो अपना बेलू याद आ रहा है, उसके सर पे दुपट्टा याद आ रहा है, लेकिन वो याद नहीं आ रही यार। अरे इतनी जल्दी भूल गया उसे? ठीक है यार। अच्छा सुन, उस दिन प्रिंसिपल ने तुम्हें नोटिस भी दिया था? प्रिंसिपल? यू नो गेट एग्जाम? सर एग्जाम में लेट आए तो गेट पर मुर्गा बनवाते हो ना, वही गेट एग्जाम होता है। नॉनसेंस। चुपचाप खड़ा रहना। अब कुछ याद आया? सॉरी भाई। इट्स ओके। कंधा याद आ रहा है, कंधे पर हाथ रखना भी याद है, लेकिन उसका चेहरा याद नहीं आ रहा यार। चेहरा अभी भी याद नहीं आ रहा है, क्या करूं? हाँ फिर आगे? अब आगे क्या बोलूं, तेरे सामने ही खड़ी है, जाकर देख ले। ऐसा है तो तू निकल बेटा। हाँ, चलते हैं। हेलो। हाँ निकलने का मतलब पलटी मार। ओ थैंक्स, हम लोग कैंटीन में मिलेंगे। ओके। हाय। मैंने आपको गणपति विसर्जन में देखा था, बहुत अच्छा डांस किया आपने। हे भगवान, चलो शुक्र है आखिर आपने मुझे देख ही लिया। आपको पता नहीं है मैं आपको पूरे 2 सालों से क्लास में देख रही हूँ। हाँ अभी गिरी ने बताया मुझे। सॉरी फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए मैं। फर्स्ट टाइम? नो वे, इससे पहले भी आपने मुझसे बात की है। अच्छा कब और कहाँ मुझे नहीं याद,
याद करो वो वहाँ कितना हुआ? 80 रुपए मैडम। हाँ, ये लो। चेंज नहीं है मैडम। सब एक ही बात करते हैं, चेंज नहीं है इनके पास। चेंज नहीं है की दो चेंज। क्या 80 रुपए की सब्जी है, 420 रुपए इसे टिप में दे दूं? अरे जा चेंज लेकर आ। ठीक है। बड़ा आया मजाक ही करता रहता है। भैया 500 की छुट्टी है। नहीं नहीं चेंज नहीं है, जब से सब डिजिटल हुआ है कोई कैश रखता ही नहीं है। एक्सक्यूज मी छुट्टी है। थैंक यू। हे हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे ना आपकी और गिरी की बातें सुनकर लग रहा है कि मेरा दिमाग थोड़ा गजनी जैसा हो गया है। गजनी क्या? हाँ क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। ए वीरू, क्या कर रहा है तू? आइटम के साथ घूम रहे ले? मेरे फ्रेंड मनु को मारने के बाद उसके बाप को लेक्चर देकर आया ना, प्यार को कभी फुल स्टॉप नहीं लगता, क्योंकि प्यार को आंखें नहीं होती हैं, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। हाँ सही कहा है, लेकिन जो इंसान इस वक्त ये बातें कह रहा है उस पर ये बातें शोभा नहीं देती। तेरी ये गुंडा गर्दी मुझ पर नहीं चलेगी क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह तेरा दलाल। ए, डायनामिक, तू बहुत ज्यादा न्यूज चैनल देख 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 के लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेने लगा है। ए, देख इस कॉलेज में जो करना चाहता है कर, इतना ही नहीं प्यार करके एंजॉय करना चाहता है तो वो भी कर ले, मैं सब में तेरा साथ दूंगा। लेकिन एक चीज कभी मत करना, इस रुद्रा के बॉर्डर को कभी क्रॉस मत करना, अगर किया तो रुद्रा के जाल में फंस के मरेगा। इतने सालों से तू जो भी बोलते आ रहा है मैं करता आ रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात पसंद नहीं आती यार, जब कोई आंखें निकाल कर और उंगली दिखाकर मुझे नसीहत देता है तो पता नहीं मुझे बहुत जलन होती है, मन करता है जला दूं उसको भी, लेकिन क्या करूं, मेरी माँ ने छोटे जानवरों पर हाथ उठाना नहीं सिखाया। ये तो है। भाई इसकी तो ए पागल, ये कॉलेज कैंपस है, यहाँ स्टूडेंट की हवा चलती है, हम हैं विलन इसलिए हम जो भी हैं कैंपस के बाहर ही हैं। पढ़ाई किए बहुत दिन हो गए। चल किताब निकाल। ए मैं कहाँ बदला हूँ, जैसे पहले प्यार करता था अभी वैसे ही करता हूँ। ए अपनी बकवास बंद कर, तुम लड़के लोग आखिर अपनी नियत दिखाई देते हो ना। अरे तू सारे लड़कों को क्यों डांटती है? सिर्फ डांट रही हूँ, हमारा दिल किया ना तो तुम्हें पागलों के अस्पताल में भर्ती भी करवा सकते हैं। वैसे तुम लड़कियों ने प्रेगनेंसी वार्ड के बारे में सुना है कि नहीं? ए तुम लोगों का दिल टीवी चैनल की तरह बदलता रहता है, सीजन की तरह रीजन बनाकर चेंज हो जाते हो तुम लोग। एग्जाम्पल के साथ प्रूव करता हूँ। चलो चलो, अरे आता हूँ, आज तो साबित करना ही पड़ेगा। हाँ चलो, अरे कुछ नहीं होगा, चलो। आंटी बोलो बेटा, जरा प्लीज बताएंगे बचपन में आप किसकी फैन थी? अमिताभ बच्चन की। और शादी के टाइम? सलमान खान की। और आप किसकी फैन हो? पुष्पा की। और वो क्यों? क्योंकि वो फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। सही है, समझ रहे हो। सर नमस्कार सर। सर आप जब बच्चे थे तब आप किसके फैन थे? खिलाड़ी स्टार अक्षय कुमार का। और कॉलेज के टाइम? तब भी वही थे। और अभी? अरे मेरे भाई, आइडल शर्ट की तरह थोड़ी ना होता है, जिसे हम रोज बदले वो बर्थ मार्क की तरह होता है जो परमानेंट रहता है। मैं तब भी आज भी और हमेशा ही एक ही आदमी का फैन रहूंगा। क्या बात बोलिए सर, लड़के ऐसे ही होते हैं, एक बार प्यार किया और किसी के फैन बन गए तो सारी जिंदगी उनके फैन बन के रहते हैं, समझ रहे हो। कमीने पब्लिक में अटैक करता है, अगर ये चाकू दादा पर लगता ना तो तुझे काट कर रख देता। भाग भाग गया, चल भाग गया, चल। वीरू तुम इस टैटू के लिए इतने इमोशनल क्यों हो गए? ये सिर्फ टैटू नहीं है, ये मेरे और दीदी के लिए जान है। Thank you.
दीदी दीदी बहुत तेज भूख लग रही है, उठो खाना तो दो। अरे जरा रुकना, विष्णु दादा का गाना चल रहा है, मैंने अंदर खाना बना कर रखा है, जाकर खा ले जा। विष्णु दादा आपको इतना पसंद है क्या दीदी? क्या कहा, पसंद? अरे जान है वो, मेरी जान से ज्यादा बढ़कर है, उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सिर्फ मुझे ही नहीं, एक बात कहूँ, जितने भी लोग है ना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सबको ये पसंद है। इनके जैसा भाई मिलना बहुत ही मुश्किल है। काश इतने प्यार से मेरा भाई भी मेरे लिए कोई गाना गाता तो, पर ऐसी किस्मत सबकी कहाँ होती है। क्या है ये, क्या है ये, बोलना। तुम इस भाई को पसंद करती हो ना, इसलिए तुम्हें पसंद करने वाला ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे, इसलिए बनवाया है। ओहो वेरी नाइस स्टोरी, ऐसा है तो मुझे तुम्हारी दीदी से मिलना ही होगा। चीयर्स। चीयर्स। म्यूजिक डायरेक्टर पंकज लक्ष्मण ने बहुत अच्छा काम किया। एक बात बोलूं, वैसे तू चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन तेरे लिए मेरा प्यार ही कुछ अलग है। पर क्यों? रावण के अंदर राम भी बसता है ना, वैसे ही बिल्कुल। रुको मालिक, उसमें पानी डालो, सोडा डालो, कुछ तो डाल दो। चिड़िया को उड़ना और बाज को शिकार करना कभी नहीं सिखाना चाहिए, समझ गए? ए, खुशी की बात पता है क्या है? अब से आराम से यार्ड मुझे ही देखना, ये गोविंद भाई ने जिम्मेदारी दी है। तुमने जिस चेयरमैन की कुर्सी को खोया उसी कुर्सी पर बैठाकर मालिक की तरह देखने की इच्छा है मेरी। चाहिए मुझे अपना प्रभु मुश्किल में है, ये काम उसी को दो, अच्छा होगा। इतनी उम्र हो गई है, अभी तक क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? कबाब के बदले में चटनी चाट के दारू पी रहे हैं ना, इसीलिए भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों को जो करना है करो। ऐसा क्यों, डर शुरू हो गया है क्या? अरे डर किस बात का है भाई, बस मुझे नहीं चाहिए, मांगा तो मिल ही जाएगी ना, क्यों? अरे भाई मुझे किसी की दया व्यय की जरूरत नहीं है, बस इसीलिए। अरे क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अरे वो सब बात छोड़ो, एंजॉय करो। चीयर्स। चीयर्स। देखो इस बार उस देवी और उसके लोगों को घर भेजना गारंटी है, आप सब लोग मिलकर हमारे प्रभु को वोट देकर जिताओ। उस देवी का मैटर छोड़ दो, मैं देख लूंगा, तुम लोग क्यों चिंता करते हो, आने दो। तुम देख लोगे मुझे, इस देव को देख लोगे तुम, हाँ? देवी हो या देवता हो, उन्हें संभालना आसान नहीं होता गोविंदा, ये तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाना चाहिए था। सोचने के लिए, देखने के लिए पहले ही बता देता हूं, तुम सब किसानों के कर्जे को मिट्टी में मिलाओगे या फिर महादा योजना फिर से शुरू कर दोगे, ऐसा ही है ना गोविंदा? एसआरएमसी को चलाने के लिए मैं ही कैंडिडेट का नाम दूंगा, तुम लोग ये समझ चुके हो और बिना विरोध के मेरा समर्थन कर रहे हो। ये लड्डू हमारे कैंडिडेट प्रभु के लिए। हे भगवान, अरे दिखाई नहीं देता क्या? देखो लग गया मेरी बेटी को, ज्यादा लगा तो नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा ना? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। पापा कहते थे कि रोड पर बंदर नाचता है तो लोग उसे खड़े होकर देखते हैं, यहाँ भी कोई बंदर नाच रहा है क्या? जा रहे उठ जाइए सर, आराम से।
पब्लिक में तो सिगरेट पीना भी गलत होता है और तुम लोग दारू की बोतल लेकर घूम रहे हो। ए रुद्रा, ए वीरू, ए जो भी कह रहा हूँ ना कान खोल के सुन ले। मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ और मेरा पावर क्या, ये बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। ए उठा उसे, हाथ लगा। रुद्रा, दरवाजे के कोने में चुपचाप शांति से खड़े रहने की बजाय कमजोर लोगों पर अपनी मर्दानगी दिखा रहा है। अरे रोड पर चलने वालों को मारने से कुछ नहीं होता, उनके अंदर डर पैदा करना चाहिए। ज्यादा चिल्ला मत, वरना तुझे यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। चुपचाप सिर झुका कर जिएगा तो दो चार दिन और जी लेगा। अरे ये सब बकवास, गीदड़ भपकियों से मैं नहीं डरता, तुम्हारा भाई डरता होगा, समझे। पटाखे की आवाज सुनकर कान बंद करने वाले सुन ले, ये डायनामाइट है। इसने अगर साउंड किया ना तो कान के पर्दे फट जाएंगे तेरे। वीरो चल। हेलो भाई, भाई भाई कहाँ हो भाई? भाई 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 वो पापा को, भाई भाई वो, भाई वो पापा को, भाई क्या हुआ? पापा को सब लोगों ने, क्या हुआ? हमें लड्डू खिलाने आया था कमीने, तू ही खा लड्डू। हमें लड्डू खिलाने आया था कमीने, तू ही खा लड्डू। उसे सैलून के अंदर ही मार देना चाहिए था। जब उसने गले पर रेजर रखा था उसी टाइम काट देता तो अच्छा रहता। उसे छोड़ दिया मैंने, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई। गलती कर दी मैंने, लेकिन पापा हमारे आरएसी के टेंडर को छीन कर वो खुद ट्रेंडिंग में है तो बहुत घमंड कर रहा है। ट्रेंडिंग? एक दिन या फिर दो दिन, बस उसका अंत होगा और मैं करूंगा पापा। अंत तो होकर रहेगा, होकर रहेगा अंत। वो मारेगा या ये मारेगा ये सोचकर चुप था मैं। इतना ही नहीं, अब तो तुझ पर भी भरोसा नहीं है मुझे बेटा। खुद मारूंगा मैं उसे, अपने हाथों से, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या नागराज? क्या बात है, सब लोग चुपचाप बैठे हुए जैसे किसी की मैयत में आए हुए हो। कुछ बात पता चली क्या? हैं? बीपी शुगर वाले अगर गरम खून वालों के खिलाफ जाएंगे तो यही होगा ना। नो वे, चांस ही नहीं है। अच्छी खबर देने के बहाने सबके अंदर लड्डू ठूसने वाले के मुंह पर मेरा साला लात मारकर आ गया। ग्रेट भाई, ग्रेट। एक बना रहे। ए वीरू, दीदी तेरे चीचा जी की पसंद के पालक की सब्जी बनाई है। अच्छा, लेकिन देखना अभी तक नहीं आए, तू जरा जाकर देख कर आना। ठीक है दीदी। हाँ
पापा 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 अरे क्या कर रहे हो, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, चलो जल्दी पापा को लेके चलो हॉस्पिटल। छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान से मार दूंगा तुझे। पापा पापा कुछ नहीं होगा, पापा कुछ नहीं होगा। आप लोग इस बात से डरो मत, कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। वेरो, जिया जी को अपने साथ लेकर जा। जाने के लिए बोल रहा हूं ना, चलो जाओ, अब जाइए। चलिए वीरू, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। वीरू, मैं जाके सरेंडर कर देता हूं, बस तुम अपनी अपनी दीदी का ख्याल रखोगे ना? जीजा जी, आप डर के कुछ भी मत बोलिए, ठीक है? मैं आपके पैर पड़ता हूं। क्या पैर पकड़ रहे हैं तुम मेरे? कल पुलिस वाले आकर तेरा कॉलर पकड़ेंगे। तेरी दीदी को यह सब पता चला तो वो तो बेचारी सदमे से ही मर जाएगी। वो सब गुस्से में हुआ जीजा जी, अगर दीदी को यह सब पता चला तो वो अपनी जान दे देंगी। देखिए, आपको मेरी कसम है, यहां जो कुछ भी है उसके बारे में दीदी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी बात मानिए जीजा जी, वरना हम अनाथ हो जाएंगे। हे, छोड़ ना, क्या कसम खाने के लिए बोल रहा है तू? ना तो राम है और ना मैं दशरथ हूं। एक बात मत भूलना कभी, हम लोग कितना भी इस बात को दबा लें, अरे आज नहीं तो कल तेरी दीदी को पता ही चल जाएगा। उसे पता चला कि मैंने खून किया है तो फिर उसका क्या होगा? बहुत स्वाभिमानी औरत है वो, अरे अपने से ज्यादा मुझे उसकी चिंता हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं और भैया सब कुछ देख लेंगे। अगर उसे कुछ हो गया तो? अरे उसे भी मैंने अपने बेटे की तरह ही पाला है। अरे तुम दोनों मेरे आंखों के तारे हो, तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं होगा जीजा जी, चुपचाप घर चलिए और सो जाइए, और दीदी से कुछ मत कहना, बाकी मैं देख लूंगा। वीरू, चलिए मेरी बात सुन। वीरू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वीरू, रक्षा करना, वो कहते हैं ना कि एक शराबी पूरा घर बर्बाद कर देता है, अब तो बस यही होता है आजकल इस दुनिया में। दरअसल वो, हाँ, बोलिए क्या कहना आपको सरस्वती? ये दुख दर्द और तकलीफ, ये सब सहने की शक्ति भगवान ने सिर्फ औरतों को ही दी है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रेगनेंसी का दर्द। अरे औरतों की तो मैं पूजा करता हूँ। मैंने आज तक तुम्हें क्या दिया है सरस्वती? क्या दिया है मैंने आज तक तुम्हें? कुछ भी नहीं। ओहो, देख रहा है वीरू, आज तक तो बस ये एक गाना ही सुनाते थे और पूरी कहानी सुनाने लग गए। नहीं दीदी, वो जीजा जी ने आज कुछ ज्यादा ही लगा लिया। हाँ, वो सब समझ में आ रहा है। चलिए, खाना खाएंगे कि नहीं? जीजा जी खा चुके खाना, आप खाइए और सो जाइए। हाँ ठीक है, सो जाओ। नहीं, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अच्छा, कल सुबह तेरा इंटरव्यू है ना, चल तू तो चलकर खाना खा ले, चल। अरे रूम इस तरफ है, तू जाकर खाना खा ले बेटा, जा। सुनिए जी, वीरू, वीरू, क्या हुआ दीदी? अरे जरा देखिए तो, इस गुंडे का खून हो गया। पता चला है कि शहर के खूंखार गुंडे यानी कि देवी जी, इनका मर्डर हो चुका है, और ये मर्डर किसने किया है इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है, और पुलिस की जांच जारी है, तो देखते रहिए सनसनी केस, जिसका नाम आगे आता है। वो कहते हैं ना, हमारे पाप कभी पीछा नहीं छोड़ते। उससे अपने पापों की सजा मिली, बहुत अच्छा हुआ। अरे ये क्या पैसे ही हैं? अभी तक तैयार नहीं हुए? कहाँ जाना है? लगता है रात की अभी तक उतरी नहीं,
अरे इस बेचारे का आज इंटरव्यू है। दीदी लगता है जीजा जी की नींद अभी पूरी हुई नहीं है। मेरे इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, चलिए ना हम चलते हैं। हाँ ठीक है आप जाकर सो जाइए, तू चल मेरे साथ। हाँ वीरू। अरे चल ना लेट हो जाएंगे। हाँ आया आया। दीदी आप यहीं रुकिए, मैं पार्क करके आता हूँ। अरे भाई। अरे ये क्या, तुम अभी आ रहे हो? तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है क्या? मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं क्यों काम करूँगा? हाँ तू अपने आप को छोटा कहता है? जरा देखो तो, 15 बच्चों के बराबर का एक बच्चा है। हाँ? कहता है कि बच्चा है। ठीक है मैं इंटरव्यू देकर आता हूँ। ठीक है जल्दी आ जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। ठीक है देना। बाय। ऑल द बेस्ट। क्या यार मैं बच्चे जैसा नहीं हूँ? चलना। तुझे क्यों काम करूँ? तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं था क्या? मुझे इंटरव्यू और जॉब पसंद नहीं आते। तो फिर आगे क्या करने के बारे में सोचा है? बस शादी करके सेटल होना चाहती हूँ। ओहो, तो ऐसा कोई लड़का पहले से देखकर रखा है क्या? कौन है वो? अरे बताओ ना मुझे। वो सर छोड़ दीजिए सर, सुनिए सर, 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 वीरू, वीरू, रुको, कहाँ जा रही हो? बात तो सुनिए, वीरू, क्या बे? वीरू, एक बार, छोड़िए मुझे, सर, मुझे छोड़िए, अरे, मुझे छोड़ दो, भगवान, सर, क्या कर रहे हो? सर मेरी बात तो सुनिए, सर, छोड़िए, सर, सर इसने, इसने क्या किया? ये तो बताइए मुझे क्या किया इसने? क्या किया? कल रात इसने खुलेआम कत्ल किया है। ले चल इसे। अरे अबे चल चल सर, चल सर प्लीज चल 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 चल। नमस्ते सर। क्या साहब जी, लड़का हाथ आ गया तो उसे स्टेशन में लाकर डाल दिया क्या? कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं किया है इसने। तो फिर खून किया है। किताब पढ़ने वाले हाथों में स्लेट देकर केस क्लोज करने का सोचा है क्या? उसने खून किया है, इसका कोई सबूत है तेरे पास? सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था सर, हमने खुद जाकर चेक किया तो कोई एविडेंस नहीं मिला। कैमरे के सामने खड़े होकर माइक पकड़कर बात करने वाले सभी लोग कल कोर्ट में आकर भागवत गीता के ऊपर हाथ रखकर वचन देंगे क्या? वो हमारे लड़के हैं, खून करने वाले ये लोग हैं, उन्हें बाहर निकालो, इन्हें अंदर डालो। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। चलो वीरू, तुम अभी घर जाओ, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे अपने दिमाग में मत लेना, मैं देख लूंगा। जीजा को हिम्मत देना, दीदी कितना भी मारे पीटे उसे कुछ मत बताना। मैं जब घर आऊंगा तो खुद उसके पैरों में पड़कर बोल दूंगा कि सारी की सारी गलती मेरी है। हिम्मत रखना। ठीक है भैया। ठीक है। भूख लगी होगी ना? चलो अंदर आ जाओ। दीदी दीदी थोड़ा सा घी ज्यादा डाल दो ना।
चलो खाना खाओ खाओ। आज मेरे दोनों भाई मर गए। उन्हें जो कुछ भी पसंद था सब बनाया है मैंने। पेट भर के खाओ। क्या हुआ बोलो। इस तरह बीच पे चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा भैया। भैया उठो ना जिस चेयरमैन की कुर्सी को खोया उसी कुर्सी पर बैठाकर मालिक की तरह देखने की इच्छा है मेरी। भाई अभी जो यहां पर खड़े थे वो कहां गए आपको पता है?
आज उनकी बहन का जन्मदिन था तो वो पूजा करवा रहे थे और बिना प्रसाद लिए ही चले गए। आपको क्या करवाना है? फीलिंग, तूने अपने भाई को खो दिया और मैंने अपने जन्म देने वाले पिता को ही। अब पता ये करना है कि वो है कौन। अगर दुश्मन है वो, तो उसे बीच चौराहे पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ढूंढा मैंने, पता चला कि वो तेरा भाई है। फिर क्या, राम नाम सत्य करके उसे राम जी के पास ही भेज दिया। अब तुझे बताऊंगा तब पता चलेगा तुझे कि रुद्रा का असली रूप क्या है। तब जाके मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। I love you, पा। Shiva, 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 Shi
हथियार उठाया था तूने? किस लिए? क्या हासिल हुआ तुझे? हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद भी जल कर राख हो गया। वीरू, ये चश्मा रिपेयर करने। उसे मरे हुए काफी दिन हो चुके हैं। अब जाने दो, कोई जानबूझकर नहीं करता, सबकी अपनी परिस्थिति होती है। कैसी परिस्थिति? हाँ, किसी का खून करना जरूरी होता है क्या? अभी हमारी परिस्थिति देख रहे हैं ना आप? इस घर की परिस्थिति देख रहे हैं? कैसी जिंदगी के लिए मैंने माँ बनने का सपना छोड़ दिया था? अब बस जान ही देनी बाकी है। शांति। और नहीं तो क्या? बचपन से उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और चाहती थी कि सही रास्ते पर चले वो, पर देखा क्या किया उसने। अब मेरा अपना कोई नहीं रहा, मेरे लिए बस आप और आपके लिए मैं हूँ, और कोई नहीं। क्या गोविंद भाई, डील करने का जिगर नहीं रखने वाले लोगों से भाई कहलवाने का शौक बढ़ गया क्या? तुम खत्म करोगे इसलिए मैंने डील की थी, लेकिन तुमने तो डील के नाम पे दिखावा ही किया भाई। दिखावा? वो भी हमारी डील में? क्या बे, हमारे साथ ही मजाक कर ले बेटा मजाक। ए, दुश्मन चाहे कोई भी हो, उसे हराने के लिए पेशेंस चाहिए, थोड़ा धीरज रख। अरे कितना धीरज रखूं मैं, तुम तो कहते थे तुम्हारा लड़का नाम का नरसिम्हा नहीं है, उसे जो काम दोगे फाड़ कर रख देगा वो। हाँ क्या हुआ अब? हाँ कहाँ गया तुम्हारा नरसिम्हा? पुलिस वालों ने पकड़ लिया क्या उसे? ओए, कुछ भी जाने बिना यहाँ कोई भी बकवास मत कर। सिम्हा ऐसा है जिसे देखकर अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। ऐसा है तो नरसिम्हा कहाँ है? क्या बताऊँ, वो हम सबको छोड़कर चला गया। नरसिम्हा आया तो घंटी भी बजनी चाहिए और ढोल भी बजना चाहिए, ऐसा कहते थे तुम। अब देखा तो राम नाम सत्य करते हुए दुनिया से चला गया। गया गया दुनिया से गया। ए, किसी की मौत का सुनकर तो दुश्मन भी रोने लगता है, लेकिन तू हंस रहा है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? इससे पहले कि तेरा राम नाम सत्य हो जाए, निकल जाए यहाँ से, चल निकल। हे वीरू, हे पुजारी, लेकर जाओ इसे। ए, चल रहे, उठ। शांत हो जाए। और सुन, तेरे तेवर देखकर एक पल को लगा कि तेरा भाई आ गया हो। वीरू, उसकी जगह तू लेगा क्या? अगर मैं अपने भाई की जगह पर गया तो मेरी माँ की जगह लेने वाली अपनी बहन को मैं खो दूंगा। मेरे लिए मेरी दीदी और जीजा जी ही सब कुछ है। बचपन से उन्होंने मुझे संभाला है, मुझे कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। सरस्वती, आज मैंने तुम्हारे भाई को देखा, उसे घर पर ले आऊं क्या? वो गोविंद भाई के भरोसे ही इस घर को छोड़कर गया था ना? उसके जैसे गुंडों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। और इतना ही नहीं, मेरे दिल में भी कोई जगह नहीं है।
मुझे घर जाने के बाद ही पता चला कि दीदी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी पसंद ही मेरी पसंद है। अब जब तक मैं जिंदा हूं उनका ख्याल रखना ही मेरा मकसद है। मुझे ये सब नहीं चाहिए भैया। अरे रे रे, गलत मत समझ। तेरा भाई मेरे पास 20 साल तक मेरे खुद के बेटे की तरह था, इसीलिए मैंने तुझसे पूछा। देख, ये काम धाम तो चलता ही रहता है और तू जितने दिन मेरे पास रहना चाहे उतने दिनों तक खुशी खुशी रहे, राजा की तरह रहेगा ना? वीरू प्लीज यहां से चलते हैं। अगर तुम यहीं पर रुके तो तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा लक्ष्य बिल्कुल अलग है। ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है वीरू। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज यहां से चलते हैं। ए, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। हेलो, आता हूं। हे करुणा, तूने बिल्कुल सही कहा था। दिल में गुस्सा रखकर चेहरे पर स्माइल रखें तो जिसे जहां चाहिए वहां काट सकते हैं। सच है भाई, आप ना बिल्कुल सही बात कह रहे हो। इसीलिए मैं आपसे उस दिन कह रहा था भाई कि इसको मार डालेंगे, काट डालेंगे, लेकिन आप ही ने मेरी बात नहीं मानी भाई। ए, लूडो के खेल में जब बारी आती है ना तभी गोटी बढ़ाते हैं। अभी टाइम लगेगा समझने में। गरुड़ा, हाथ में बियर की बोतल पकड़कर अंकल को मारूंगा, सुब्बी अंकल को मारूंगा, फुकट की बोल बचन मत दे। ओढ़ मत, जमीन पे आ और करके दिखा। वीरू ये देख, देख गिरे यहां पर है भाई। तुझे पता है हर घर में लड़कियों को आजादी देकर लड़कों को बहुत स्ट्रिक्टली पालते हैं। ए गिरी, इधर आओ ना। और हमारे घर में दीदी पे कोई पाबंदी नहीं थी। उसे एंजॉय करते हुए देखकर मैं बहुत खुश रहता था, अच्छा लगता था मुझे। ए दीदी, कब से आई हो? लेकिन आजकल किसी पागल बॉस के साथ मिलकर उसने ड्रग्स की आदत डाल ली है भाई। अब और एक प्रॉब्लम हुई है, उसके बॉस ने उसके बिना कपड़े का अश्लील वीडियो बना दिया है। चड्डी पकड़कर संभल कर ना चल पाने वाले लोग जब गांजा चिल्लम पकड़कर घूमते हैं तब उनके सर पर मार कर समझाने के बजाय हमें क्या करना है बोलो, बता ऐसे ही करना में होंगे। चुप करना भाई, अगर ये बात फैल गई ना तो मेरे मम्मी पापा जीते जी मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं, तुम्हें कुछ बता वीरू। अरे तुम फिक्र मत करो, अब रोना बंद करो। वो वीडियो लीक नहीं होगा, कुछ भी हो जाए मैं सब संभाल लूंगा। वीरू मेरी बहन को बचा ले, लेकिन वो वीडियो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए प्लीज। सुनामी की तरह मारने के लिए और तेरी हीरोगिरी दिखाने के लिए तू किसी ऐरे गहरे या छोटे मोटे अड्डे पे नहीं आया है, समझा क्या भाई? बच्चन भाई का अड्डा है, तुझे खत्म कर दूंगा। ये अड्डा, गड्ढा, दाढ़ी मूछे, ये सब मैं गोटियां खेलने की उम्र में देख चुका। जब कोई बुरी नजर डालता है मैं तब भी नहीं छोड़ता। तू तो लड़की को उठाकर ही ले आया, तुझे क्या छोड़ूंगा। ए, बात को ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, सिंपली बता रहा हूं, सुन ले। अगर तू ये सब यही खत्म कर देगा तो मैं प्यार से चला जाऊंगा, नहीं तो बॉर्डर तक भगा भगा कर मारूंगा। Hmm.
हमारी मदद कीजिए। ड्रग्स का धंधा करने वाले और लड़कियों को बंदी बनाने वालों से 100 से ज्यादा लड़कियों को सुरक्षित बचाया गया। चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर किसने उन्हें बचाया। हम उसे जानते नहीं हैं। वो तो हमारे लिए भगवान है। आप बताइए मैम। वो उन्होंने हमारी रक्षा की। तो वो भगवान दिखने में कैसे हैं? हमेशा औरतों को बचाने वाले कृष्ण की तरह? वो तो हनुमान के दूसरे रूप हैं। आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इन लड़कियों के लिए भगवान कौन बना ये जानने की दिलचस्पी सब में है। मेरे भाई को मारने वाले उस भगवान को मैं देखना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाल ही में एक ड्रग्स माफिया पकड़ा गया है, लेकिन उसके बारे में अभी तक क्या हुआ यार? न्यूज़ देखकर बोर हो रहे हो क्या? अरे जाने दो यार, टाइम सही नहीं है, इसलिए ज्योतिष ने मुझसे स्टोन की अंगूठी पहनने के लिए बोला, लेकिन वो स्टोन कौन सा होना चाहिए पूछना ही भूल गया मैं। तो किडनी स्टोन से बनवा लेना, सस्ते में निपट जाएगा। क्या मजाक कर रहा है यार, तू भी ना। हाय दीप्ति। हाय। हेलो। क्या पियोगी? टी। मेरे अंकल की ऑफिस में जॉब की एक वैकेंसी है, मैंने उनसे बात कर ली है, उन्होंने कल आने के लिए कहा है, कल हम वहाँ जाएंगे। ठीक है? ठीक है। कौन है ये बदतमीज जिसने गाड़ी बीच में लगाई है? इसकी तो रुक जा, समझ भी नहीं आता पागल को। अरे क्या हुआ आपको? कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए, आराम से आराम से, कुछ नहीं होगा। हाँ सांस लीजिए, उतारिए इसे। ए पानी लेकर। हाँ भाई। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांति से आराम से। ये क्या हो रहा है? ये लीजिए पानी पीजिए, आराम से। हाँ आराम से आइए, आराम से आराम से। रास्ता क्लियर करो, आप आइए आराम से आराम से। हाँ बैठिए, तू इन्हें लेकर जा, मैं गाड़ी हटवाता हूँ। ठीक है, आराम से जाओ, कोई दिक्कत हो तो फोन करना। हाँ 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 करता हूँ। बोल कौन है वो, टेल मी। भगवान हो सर आप? मैं नहीं, भगवान तो वो है। ऑटो ड्राइवर्स के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, जरूरत में हमेशा आप लोग काम आते हैं। अगर कोई है जिस पर हम अपने माँ बाप जितना भरोसा कर सकते हैं तो वो आपके जैसे लोग ही हैं। रात को जब कोई औरत अकेली सड़क पर जा रही होती है तो वो और किसी गाड़ी में नहीं बैठती है, सिर्फ ऑटो में बैठती है। ये सिर्फ आप लोगों के भरोसे की वजह से ही है। कितनी फैमिलीज के लिए आप एक फैमिली मेंबर की तरह होते हैं, आपको बचाना तो हमारा कर्तव्य है ना। बोल जल्दी बोल, कौन थे वो लोग?
देखा, ये भी मर गया, सिर्फ यही बचा था। अब कहाँ ढूंढेंगे उसे, कैसे ढूंढेंगे? सर ये लीजिए अपने भाई की चीजें, और यहाँ एक साइन कर दीजिए। गया गया, सब कुछ गया। तेरे पापा होते ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। रुद्रा जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। शांत हो जाओ। अरे इतना टेंशन काय को ले रहे हो? डर के मारे जो मुंह में आए बोले जा रहे। चॉकलेट है? दूध पिला इनको। ए दूध, अगर मामले की गहराई पता होती तो ऐसा कुछ ना करता। वो प्रभु इलेक्शन में खड़ा हो गया है, उसके जीतने के बाद दूध में घी भी मिला देना। ए रुद्रा, मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे। प्रभु महाप्रभु। ए रुद्रा, तू तो अपने बाप से भी बड़ा खिलाड़ी है। 5G स्पीड। ये प्रभु इलेक्शन में खड़ा होगा ऐसा बोला था ना? वहाँ नहीं तो यहाँ तो खड़ा है। क्यों बे, इलेक्शन में खड़ा होगा? नहीं है? मुझे ये राजनीति में नहीं जाना। मैं अपनी फैमिली को बलि पर चढ़ाकर इस राजनीति में नहीं जाऊंगा। मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। अच्छा, आप जैसे बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। ऐसे ऐसे लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। सुपर थिंकिंग। आपुन जो कहता है वो हर किसी ने मान लिया ना, तो उसको भी आराम और आपुन को भी आराम। सही कहा ना? सब लोग खुशी खुशी जाकर आना। ए, घर पर नहीं, दो दिन में नॉमिनेशन खत्म होने तक किसी मंदिर में जाके हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन करके आना आराम से। रुद्रा भाई की जय हो, जय हो। सुनो भाई लोग, फैमिली को संभाल कर ले जाना, संभाल कर ले आना। पता है रुद्रा कब खुश होता है? करोड़ों रुपए देखकर नहीं, अपने सामने हारे हुए को देखकर। गोविंद भाई बुला रहे हैं, जाके कह दो ये कहीं नहीं जाने वाले। बहुत अर्जेंट है ऐसा बोल रहे थे वो, जल्दी आ जाना गुरु। ए कितनी बार कहा तुम लोगों को, एक बार में समझ नहीं आता क्या? ये वीरू है, उनका भाई सिम्हा नहीं है। जाकर अपने भाई को बोल दो हमें इसमें से किसी की भी जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों की मेहरबानी भी नहीं चाहिए। कहीं पर भी जाकर हम लोग शांति से जी लेंगे, समझ गए ना? जाओ। दीप्ति देखो सुनो, उन्होंने बुलाया है ना मुझे, एक बार देखकर तो आता हूं ना कि बात क्या है। सुनो, आज मैं इंटरव्यू मिस नहीं करूंगा, तुम्हारे अंकल से जरूर मिलूंगा, प्रॉमिस। अरे कुछ नहीं होगा, जाकर जल्दी से वापस आ जाऊंगा। टेंशन हो रही है क्या? तेरे को ना राजनीति करनी नहीं आती। राजनीति में लोगों को नींबू का शरबत पानी पिलाकर जीत नहीं होती, विस्की स्कॉच बांटकर होती है। राजनीति में जीत त्योहार की तरह होती है। देख मना रहे ना त्योहार की तरह। और सुन, 15 मिनट लगेगा,
उसे अंदर जाकर सिग्नेचर करके आने में, और उस 15 मिनट के अंदर अगर तेरा कैंडिडेट नहीं आया। भाई अपना कैंडिडेट गायब हो गया भाई। हा? कैसे हुआ ये, ढूंढ उसे। टेंशन हो रही है क्या? तुमने तो मुझे कहा था ना कि हमें राजनीति नहीं करनी आती है। अब देखो ना, अगर लोगों पर हक जमाओगे तो हिटलर कहे जाओगे, अगर उन्हें उनका हक दोगे तो तुम असली राजा कहलाओगे। इसलिए हमने हक जमाना छोड़ दिया है। 15 मिनट खत्म हो गए हैं लगता है। हमारे शहर के बहुत ही जाने माने चुनाव में कोई भी प्रतिस्पर्धी ना होने के कारण सदाशिव जी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। थैंक यू। आइए आइए अध्यक्ष जी, आइए। अरे लाओ हार लेकर आओ। धन्यवाद धन्यवाद। जीजा जी कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। आइए आखिर कौन कौन हो सकता है? इस सीरू को आए हुए कितने दिन हो गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस वो एमएलए आया है। नमस्ते सीरू भाई, मैंने वही तो फोन पर बोला था ना, आप ही को हमें बचाना होगा भाई। ठीक है मैं देख लूंगा, तुम जाओ। नहीं नहीं मैं बहुत इमरजेंसी में आपके पास आया हूँ। मैंने कहा ना सब देख लूंगा मैं, चलो जाओ यहाँ से निकलो। हाल ही में मेरा छोटा भाई मरा है, टेंशन में हूँ मैं। क्या आपका छोटा भाई मर गया? कब की बात है, कैसे? इन सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा, टेंशन इसीलिए है। मुझसे सिंपथी दिखाने के चक्कर में ये एमएलए फालतू बकवास करता है। एक मिनट भाई। हेलो, बोलो। देखो आपके चैनल के जरिए वहां हुआ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और एक एक बात मुझे पता, हर चीज आपको बता सकता हूँ। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, कहाँ किया, सब बता सकता हूँ मैं आपको। अरे एक एक बात बताऊंगा, सब पता है मुझे। ये मोबाइल जब से आया है ना दुनिया बर्बाद हो गई है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, नमस्ते। हाँ देखा ना भाई, मैंने पहले ही कहा देख लूंगा, चल जा। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। पता नहीं आज भाई इतने गर्म क्यों हैं। हाँ ए, बॉस मेरे भाई का जो फोन है हाँ उसे लेकर आ। ये हाथ ऑटो ड्राइवर का है, ढूंढो उसे। खड़े क्यों हो? हाँ भाई जाओ। ठीक है भाई। शहर के जितने भी ऑटो स्टैंड हैं हर जगह ढूंढो, दिन रात एक कर दो। ठीक है भाई। एक भी जगह मुझे वो चाहिए। हाँ। सुना तुम लोगों ने? समझ गया ना? हाँ सर। वाइड ओके सर। दीप्ति वीरू नहीं आया क्या? वो कोई बात नहीं, शायद वो इस जॉब से भी किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में बिजी होगा। नो प्रॉब्लम, कल लेकर आ जाना। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, गलत मत समझना, लाइफ में टाइम एंड चॉइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम किस समय पर किस चीज को सिलेक्ट करते हैं उसी पर हमारी जिंदगी के रास्ते निकलते हैं, और हमें
ये सेलेक्ट करना चाहिए या वो सेलेक्ट करना चाहिए, अगर ये सोचेंगे तो टाइम निकल जाएगा। इसलिए सिलेक्शन ठीक होना चाहिए। लगता है तुम समझ गई। इसे देखा है? नहीं नहीं नहीं। इसे देखा है कहीं? नहीं नहीं देखा। जरा रुकिए भाई साहब, दो मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैडम। यहीं पर वेट करिए। ठीक। अरे हाय। अरे आप कैसी हो तुम? मैं यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हें देख लिया। लगता है कि तुम काफी देर से यहाँ पर खड़ी हो। किसका इंतजार कर रही हो यहाँ? उसी का वेट कर रही हो? राम का इंतजार करोगी तो कोई मतलब भी बनता है, लेकिन रावण का इंतजार करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है तुम्हें। मेरी बात शायद गलत लग रही होगी तुम्हें। देखो, भगवान हमें माँ बाप चुनने का मौका कभी नहीं देता, लेकिन जीवन साथी हम चुनते हैं। अगर उस जीवन साथी को चुनने में हमसे कोई गलती हो जाए तो हम जिंदगी भर पछताते हैं। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम भी क्या बेटी, आजकल की लड़कियां तो कपड़ों के साथ चप्पल तक मैच करके पहनती हैं। तुम ये नहीं जानती क्या? उसे तो जानती हो ना, वो किसी भी तरह तुमसे मैच नहीं करता। उसके साथ कैसे जियोगी तुम? मैंने उसे पाला पोसा, पर उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। फिर वो भला तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकता है? तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारी परवाह होगी? कल पुलिस स्टेशन में होगा, परसों जेल में होगा, कोर्ट भी पहुंच जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इंतजार करना चाहिए, पर उसका जो हमें एक इज्जत की जिंदगी दे सकता हो, हमें खिलौने समझने वालों का नहीं। नहीं देखा इसको? नहीं 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 देखा। ओहो, क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए तुम। तुम्हें यहाँ कोई नाइट सिक्योरिटी के जॉब के लिए नहीं बुलाया था? एक्चुअली वो गोविंद भैया। गोविंद भैया? गोविंद भैया कौन है? वो गोविंद भैया कौन है? तू क्या करने चला है? तू गुंडागर्दी के राज्य में तू राजा बन जाएगा तो कोई मतलब नहीं है वीरू। लोगों का बोझ संभाल नहीं पाओगे और राज्य हाथ से निकल जाएगा। तुम्हें खुद से ही आगे बढ़कर जाना पड़ेगा, समझ गए? तू ही मेरे प्यार की देवी है, ऐसा ही बोलता था ना मुझे। पर आज वो देवी नहीं नजर आ रही है ना? ओ, तेरी भी तो यही इच्छा होगी ना कि हर कोई तुझे भाई, गुरु, दादा, गुंडा यही सब कहकर बुलाए। तेरी दीदी ने बिल्कुल सही कहा था, जब उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुमने उनकी बात नहीं मानी तो मेरी क्या मानोगे? उन्होंने तुझे जहाँ चप्पल उतारते हैं वहाँ छोड़ा। मैं ही पागल हूँ, तुझे सिर पर बिठाकर दुनिया घूमने लगी हूँ। गुड बाय। सुनो, दीप्ति, दीप्ति, इतनी लेट क्यों हो गई? माँ, मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ? अरे कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो इसे। सोचा कॉल करके तुझे गुड मॉर्निंग कह दूं, लेकिन आज तो तेरी बैड मॉर्निंग।
बचपन से सिर्फ एक ही चीज पसंद है मुझे, मारना और काटना। सब लोगों के साथ खुशी खुशी रहूं ऐसा दिमाग में आता है, पर क्या करूं मैं, कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होता मुझसे। जब मैं छोटा था ना तो मेरे पापा ने मुझसे कहा था, बेटा छोटा भाई चाहिए या छोटी बहन। मैं जानता था कि भाई होगी या बहन, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो मैंने पापा से कहा कि माँ को लेकर जाओ और एबॉर्शन करवा दो पापा। तूने जैसा कहा बिल्कुल वैसा मैंने सोचा, अगर तुझे फट से मारता तो झट से गायब हो जाता। लेकिन ऐसे तू जलन का मतलब नहीं समझ पाएगा, इसीलिए तेरे चाहने वाले को मारेंगे तब तुझे समझ में आएगा। रुद्रा बस कर, गुस्सा मत दिला। अरे रुद्रा रुद्रा बोलकर भीख मांग रहा है, अगर दम है तो जा उन्हें बचा ले। तुझे कुछ हुआ तो नहीं, कहाँ है तू? अरे भाई मुझे क्या हुआ है, रात को पी हुई अभी तक उतरी नहीं है क्या? हाँ सब लोग भले चंगे रहे ऐसी प्रार्थना करके मंदिर के बाहर नारियल फोड़ रहा हूँ। बोल प्रसाद खाने कब आ रहा है? अरे क्या कर रहा है यार, बता नहीं कौन है। ए, गिरी कौन है, क्या हुआ? नंगी तलवार घुमा रहे हैं यार। अरे सुन, ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं। सुन, तू तो घबरा मत, मार रहा हूँ। जा रहा हूँ। पकड़ो उसे। ए रुक, ए रुक, ए रुक, ए रुक। हाँ तो तुझे काट के रुका, रुक। ए रुक। हम लोग संतोष थिएटर के पास वेट कर रहे हैं, तुम लोग जल्दी आ जाना। भगवान
भाई, शेर को मारने गए थे लेकिन उसकी पूंछ लेकर लौटे हैं। बिना पूंछ का शेर किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा, जैसे घायल सांप अपने बिल में जाकर रोते हैं। देख, सांप जब ज्यादा फन फैलाए ना तो उसे मारना जरूरी हो जाता है, फिर ना ही वो फन फैला पाएगा और ना डस पाएगा। शिकार करने वाले आदमी का शिकार एक शेर ही करता है, आदमखोर शेर, और वो आदमखोर मैं हूं। ए बेरो, कान खोल के सुन, आज तेरे को एक सच्चाई बताता हूँ। तेरे जीजा का विकेट आपुन ने गिरा है। हाँ, लेकिन तेरे फ्रेंड को आपुन ने नहीं मारा। शायद मेरे से ज्यादा पावरफुल दुश्मन पाल रखे हैं तूने। मैं तुझे भले ही छोड़ दूँ लेकिन वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे तेरे यमराज को जा तू खुद ही ढूंढ ले।
तेरे बाल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों के खिलौने के बाल हैं। अगर तेरी कोई मन्नत है तो जाकर पूरी करके आ जा। हैं? क्या हुआ रे, ऐसे क्या देख रहे हैं? वीरू, ये सब क्या है? क्या हुआ वीरू? शांत हो जा तू। मैं शांत हूं ये देखकर मुझे टारगेट कर रहे हैं वो लोग। मेरे साथ वाले लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया उनकी जाने ले रहे हैं वो लोग। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन सबको खो दूंगा। बोलिए भैया, मेरे भाई के दुश्मन कौन कौन है? सबको काट कर रख दूंगा मैं, काट कर दरिया में फेंक दूंगा उन्हें। हे, तूने कहा था ना कि ये सब तू नहीं करेगा। चोट लगने के बाद एक कुत्ता जरूर शांत हो सकता है, पर जख्मी नाक नहीं। आप बताते हो या नहीं? अरे ये सब जानकर तू क्या करेगा, ये सब तू बिल्कुल मत कर। तूने उस दिन जो कहा था वही सही है। तेरी बहन, तेरे सपने, ये सब कुछ तू इतनी जल्दी भूल गया? ए! वो सारे सपने मिट्टी में मिल गए। घर और दिल के दरवाजे सब बंद हो चुके हैं। अब अगर मुझे उनकी खुशी चाहिए तो मुझे दुश्मनों को मिटाना ही होगा। बताइए मुझे नाम, बताइए। दे मुझे, बदला लेने की बात कर रहा है। उस दिन कहा था ना कि ये सब मेरे साथ ही अंत तक जाएगा। ए वीरू, तू बहुत ही अच्छा है रे, तुझे अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। मेरी बस इतनी इच्छा है। जा, ऐसा रो, जाओ इसे ले जाकर नहलाओ। मना करने के बावजूद करने जा रहे हैं। कैसे कैसे बच गया वो? नहीं भूल सकता उसने जो किया, मैं नहीं भूल सकता। मेरी इज्जत उसने मिट्टी में मिला दी, उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। पहली बार सीरू भाई की आंखों में आंखें डालने की किसी ने हिम्मत की है। उसका ऐसे नहीं बल्कि प्लान करके शिकार करना होगा। ए! सब लोगों को इकट्ठा करो, वो चाहे जितना ताकतवर हो, अपने भाई की मौत का बदला लूंगा मैं उससे। उसका खानदान मिटा दूंगा। भाई चाय। तुम 10 मिनट यहीं पर रुको, मैं रमेश भाई को मिलकर आता हूँ। ठीक है। ए, एक चाय देना। हेलो। मौत के साथ खेल खेलने वाले को तूने मौत का डर दिखाया है। थैंक यू सो मच डायनामिक। सुना मुझसे मिलने के लिए तू बहुत बेताब है, अच्छी बात है, पर बेटा मुझे देखने से पहले जरा ये तो देख ले कि इस शहर में मेरी पावर क्या है। इसीलिए बिग बॉस के पास तेरे लिए एक टास्क है। अभी इसी वक्त तेरी आंखों के सामने तेरे चाहने वाले 5 लोगों को मार, उस पर तू कैसे रिएक्ट करेगा
ये मुझे देखना है। अगर किसी बेकसूर के साथ कुछ किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए वीर, मैं जान चुका हूं कि तू सिर्फ नाम से वीर नहीं है, पर क्या करूं, मेरे सामने अगर कोई सिर उठाकर चलता है ना, तो फिर मैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुझे डरना होगा। तू अपना मुंह छुपाएगा और फिर भागेगा, और ये मुझे आज के आज अपनी आंखों से देखनी है। ए, ए, नहीं करेगा तू ऐसा। हाय वीरू, हाय वीरू। फर्स्ट कंटेस्टेंट एलिमिनेटेड। ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच में है, बाकी लोगों को बीच में मत घसीट, जो करना है मेरे साथ कर। नहीं नहीं, बिग बॉस को इतने में मजा नहीं आता। का ऑर्डर है, टास्क कंटिन्यू। क्या हुआ वीरू, इतने में ही सारी हेकड़ी निकल गई? कहा था ना कि मैं सिर्फ 5 लोगों को मारूंगा। वीरू, अभी 4 लोग और बचे हैं। अगर तुम मरते तो मेरे सामने आ। पता है, मैच के बीच में एडवर्टाइज आना और फिल्म के अंत में गाने का आना, ये दोनों ही किसी को अच्छे नहीं लगते वीरू। मेरा आना भी ठीक वैसे ही है। अब बिग बॉस देखते हैं कि सेकंड विकेट कौन है। बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करना। हाय। हाय। कैसा लगा बिग बॉस का ट्विस्ट? वीरू की आंखों में डर, जिंदगी का डर। अच्छा लगा मुझे, तेरा मुंह छुपाकर भागना अच्छा लगा। भाग वीरू, इसी तरह से भाग 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 भाग। टास्क कंप्लीट होने से पहले ही वीरू भाग रहा है। बिग बॉस को ये देखकर बहुत मजा आ रहा है। भाग वीरू भाग। बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि अगर कोई मारने वाला होता है तो बचाने वाला भी होता है, और मुझे बचाने के लिए वीर बजरंग बली आए हैं। लेकिन मैं भी तुझे एक बात कह रहा हूं, सुन ले, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। इंतजार करते रहना। हाँ, हो गया। कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ। ठीक है पापा, आती हूँ।
अच्छा सुनो, अरे? मुझे जाना पड़ेगा, बाद में मिलते हैं। हाँ, बाय। ठीक है, ओके बाय। ऑटो। दीप्ति, इतनी जल्दी कैसे आई? ऑटो, इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? क्या हुआ? देखो तो। देखो, देखो। बेटी, लड़के वालों के आने का समय हो गया है। हाँ, जाओ जाओ। तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ, ठीक है ठीक है। मैडम, आप ये सारी फोटोज क्यों डिलीट कर रही हो? इन्होंने कुछ किया है क्या? इसने मुझे प्यार करके धोखा दिया, इसलिए सारे फोटोज डिलीट कर रही हूँ। इसने ना अपने बहन के प्यार को समझा और ना ही मेरे प्यार को। ये लड़का मेरे प्यार के लायक नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी मैडम, लेकिन लगता है आप इन्हें गलत समझ रही हैं। अभी हाल ही में लड़कियों के किडनैपिंग स्कैम में लगभग 100 लड़कियों को बचाने वाली यही है, क्योंकि उनमें से एक मैं भी थी। हम सारी लड़कियां फिर से अपनी फैमिली से मिल पाए, उसकी वजह यही है। इस फोटो में कौन है? इस फोटो में वो भगवान की फोटो है मैडम। वो नहीं, उनके बगल में। वो मेरे लिए भगवान ही है मैडम। उस दिन हार्ट अटैक आने की वजह से मैं ऑटो चलाते वक्त मरने वाला था मैडम, लेकिन उसी समय सही वक्त पर आकर इन्होंने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और इनकी वजह से ही मेरी जान बच गई, वरना मेरा पूरा परिवार रास्ते में आ जाता मैडम। नहीं तेरे भाई ने गलती की थी, इसलिए मारा। तूने मुझे ढूंढकर अपनी पावर दिखाई, ये तेरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन वो जो तू कह रहा था कि तू मुझे मार डालेगा, ये तेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। हिमालय पर चढ़ना चाहेगा तो चढ़ सकता है, लेकिन हिमालय को उठा लेगा, ये दिमाग से निकाल। ए भाई, जब मैं छोटा था तब इतनी बातें नहीं करता था, आता था, मारता था और निकल जाता था। 5 मिनट ही काफी होते थे, वही 5 मिनट मैं तुझे दे रहा हूं। चल मार, मार ना, क्या देख रहा है, मार, मारना। इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए, अपनी पावर दिखा।
मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी पुलिस वाले मेरी बहन के सामने मुझे मार मार कर बेइज्जत करके ले गए कि उस दर्द के सामने ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। मार, मार रहा। बचपन से मेरी माँ की तरह मुझे पालने वाली मेरी बहन ने मेरी ही 13वीं का खाना मुझे खिलाया। सोचा था कि उस दर्द को भूल जाऊंगा, लेकिन तू ऐसे मारेगा तो नहीं। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उस लड़की ने मेरी तुलना अपनी जूती से की, पता है? जिस इंसान ने बाप की तरह मुझे प्यार किया वो मेरे जीजा जी, जो अपनी जान से भी ज्यादा मुझे प्यार करते थे। मेरे वो बड़े भाई मेरे आंखों के सामने मर गए। वो दर्द तेरे हाथों खत्म होना चाहिए, तेरे ही हाथों होना चाहिए। मार, मार। तेरा टाइम खत्म हो गया है, तू अपने हाथों से मुझे नहीं मार पाया रे। हर जगह चांस एक ही बार मिलता है भाई, और चांस मिल जाए तो मारना ही चाहिए, मारना चाहिए। देवी का खून मैंने किया है, बच्चों की कोई गलती नहीं है, देवी का खून ही मैं हूं। ए, मैं इतनी देर से तुझे बच्चों की कहानी सुना रहा था क्या? तेरे जैसे लोग अपना दिमाग न जाने कहां छोड़ आते हैं और हाथ में बंदूक लेकर खुद को बादशाह समझने लगते हैं। सही कह रहा हूं ना? तुझ जैसे नीच लोगों को हमारी तकलीफें कहां समझ आएंगी। ए, ये लोग मेरे सब कुछ हैं, इन पर किसी का भी साया आता है तो मैं सहन नहीं कर सकता, और तूने इन्हें हाथ लगाया।
किस मुंह से तुझसे माफी मांगू? तूने तो मुझे अपनी माँ समझा, पर मैं तेरी दीदी ही रह गई। मैं तुझे गलत समझती रही, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे छोटे भाई की आखिर क्या गलती हो सकती है। मैं कौन होती हूँ तुझे माफ करने वाली? मैं खुद तुझसे माफी मांगती हूँ। देख, अपनी बहन को माफ करेगा ना तू? माफ कर देगा ना मुझे? वीरू, 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 ए, वीरू, 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 वीरू।